फ्रेंड्स, ग्लोबल बिजनेस समिट की टीम ने इस बार समिट की जो थीम रखी है, मैं समझता हूं वो थीम इट्सेल्फ बहुत अहम है। डिसरप्शन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है। और डिसरप्शन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है। दिस इज इंडियाज टाइम। और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने अभी दावोस में, यानी एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है वहां लिक्विड कुछ और होता है गंगा जल नहीं होता है वहां दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। ये जो दावोस में बोला जाता था, दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था। ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है।